हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। सो आज के इस वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। देखिए, एक तरफ तो ये बहुत ही स्मॉल सा कंसेप्ट है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर देर आर एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछे जाते हैं। सो वी शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वी शुड बी यू नो वेरी मच थॉरो कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, किस तरीके से मूव करता है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? देखिए, जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज का टाइम स्केल देखते हैं, मतलब उसका हम टाइम को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज टेक अ पर्टिकुलर ईयर, अगर हम एक साल को लेते हैं तो वी डिवाइड दिस ईयर इनटू मंथ्स, राइट? देन हम मंथ्स को डेज के बीच में डिवाइड करते हैं, देन डेज को हम आवर्स में डिवाइड करते हैं, राइट? आवर्स को हम मिनट्स में डिवाइड करते हैं, मिनट्स को हम सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस, राइट? इस तरीके से मूव करता है। जिस तरीके से ये मूव करता है ना, सिमिलरली जो हमारा अर्थ है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर के आज का जो पीरियड है, किस तरीके से हम अलग अलग टाइम स्केल में रहे हैं, राइट? अलग अलग तरीके से हम कौन कौन से टाइम स्केल हमने मतलब उसको हमने फील किया है, कौन कौन से हमारे पीरियड्स रखे हैं और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मुलस वगैरह हैं, उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे। दैट थिंग इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मतलब हमारे जियो का मतलब होता है अर्थ, तो हमारे अर्थ का जो लॉजी, देखिए लॉजी का मतलब होता है किस तरीके से मूव किया, किस तरीके से प्रोग्रेस किया, उसी का टाइम स्केल हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि एक्जैक्टली हमारी अर्थ की हिस्ट्री डिफरेंट टाइम स्केल के अंदर किस तरीके से डिवाइडेड है। देखिए, ये एक ऐसा स्केल है जो आपको ऑलमोस्ट हर एक बुक के अंदर मिल जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो स्टैंडर्ड स्केल है। बट इस पर्टिकुलर स्केल को मैं आपको लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए, डोंट आपको कुछ भी इसमें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? कुछ भी आपको याद नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप इसको 4 से 5 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बोल के देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं आपको यही चीजें बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक ईयर को मंथ्स में डिवाइड करते हैं, मंथ्स को डेज में, राइट? डेज को आवर्स में, इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना। सिमिलरली जो हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो फॉर्म हुआ था, उस टाइम के बाद क्या हुआ, किस कौन कौन से पीरियड से हम गुजरे हैं, उस चीजों को हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने क्या है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो व्हाट हैपेंस इज, सबसे जो लार्जर पीरियड है, दैट थिंग इज कॉल्ड अ सुपर ईयर, ठीक है? सुपर ईयर बोलते हैं उसे। सुपर ईयर जब खत्म हुआ तो सुपर ईयर को फर्दर डिवाइड किया गया दो, मतलब बेसिकली डिफरेंट फीचर्स में, उसे कहते हैं ईयर्स। तो सुपर ईयर को डिवाइड किया गया ईयर्स के बीच में। जब ईयर्स यहां पे खत्म होते, मतलब फिनिश होते हैं, तो उसके ईयर को डिवाइड करते हैं एरा, मतलब एराज में। जिस तरीके से हमने मंथ्स को डेज में डिवाइड किया, सिमिलरली ईयर्स को हमने एरा में डिवाइड किया। सिमिलरली जो एरा होता है, एराज को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है? पीरियड्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ईपोक्स में, और ईपोक को हम डिवाइड करते हैं फाइनली एज में। तो ये है हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको याद रखना है तो जस्ट रिमेंबर, सुपर ईयर, ईयर, एरा, पीरियड, इपोक, एज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स आपसे सिंपली इस चीज का एक आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है जहां पर 2 नंबर इजीली मिल सकते हैं +2। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच इज द लार्जेस्ट, कौन सा टाइम स्केल है, दैट इज सुपर ईयर, ठीक है? और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज द एज। ऑलराइट, तो हम हर एक को समझेंगे, सुपर ईयर किसको बोलते हैं, ईयर किसको बोलते हैं, एरा, पीरियड, इपोक, एज किसको बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो हमने सबसे लार्जर देखा, उसे कहते हैं सुपर ईयर, राइट? तो अगर सुपर ईयर है, इसका मतलब है कि हमारे अर्थ में कुछ मल्टीपल सुपर ईयर होंगे, राइट? तो हमारे अर्थ में टोटल 2 सुपर ईयर है। ऑलराइट, जो फर्स्ट सुपर ईयर था उसका नाम रखा गया था प्री कैम्ब्रियन। ना, उसका नाम प्री कैम्ब्रियन क्यों रखा गया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल शॉर्ट में समझिए, सुपर ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले का नाम रखा गया प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन जब खत्म हुआ ना, तो दूसरे का नाम क्या होना चाहिए वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए साइंटिस्ट ने, अभी तक सेकंड उसका कोई नाम नहीं दिया, तो उसे आप सिंपली अननेम्ड समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, टोटल 2 ही सुपर ईयर है। पहले का नाम था प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा जो था उसका नाम अभी तक नहीं डाला गया, सिंपली उसको अननेम्ड बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो आप ये समझ गया कि सुपर ईयर दो पार्ट्स के में बेसिकली डिवाइड हो गया। तो जैसा हमने पीछे देखा था, सुपर ईयर किस में डिवाइड होते हैं, ईयर्स में डिवाइड होते हैं। अब हमें पता है, मतलब कि ये भी और ये भी, दोनों जो सुपर ईयर्स हैं, दोनों कहीं ना कहीं ईयर्स में डिवाइड होंगे। तो लेट्स नाउ इसको हम समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, इसको जो प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयर था, इसको 3 ईयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर था उसका नाम रखा गया हेडियन, ठीक है? हेडियन ईयर। सिमिलरली जब हेडियन खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है आर्कियन ईयर, ठीक है? आपने नाम सुना होगा आर्कियन, और जब आर्कियन खत्म हो जाता है, उसके बाद नाम होता है प्रोटोरियोजोइक, ठीक है? सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हमारा सुपर ईयर होता है सबसे लार्जर, 2 सुपर ईयर हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट इज प्री कैम्ब्रियन और सेकंड का नाम अभी तक नहीं रखा गया, यानी कि अननेम्ड। ऑलराइट, जो प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयर था, उसको फर्दर 3 ईयर्स में, देखा था ना, सुपर ईयर ईयर्स में डिवाइड होता है, ठीक है? अब सुपर ईयर में डिवाइड होगा, मतलब प्री कैम्ब्रियन भी डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, जो प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयर था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू हेड ईयर,
आर्क इयॉन और प्रोटोजोइक इयॉन, ठीक है, सिंपल मतलब हेडियन जो है एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेड प्लस इयॉन, तो जो इयॉन देख रहे हैं मतलब यही वाला इयॉन है वो, तो हेडियन इसे बोलते हैं, आर्कियन इसे बोलते हैं और प्रोटोजोइक से बोलते हैं, तो ये तीनों इयॉन्स हो गए आपके प्री कैम्ब्रियन में, बट ये तीनों खत्म हो चुके हैं, तो अब हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन था उसके अंदर टोटल तीन इयॉन्स थे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। ऑलराइट, अब देखिए सब खत्म हो गया, अब जो सेकंड सुपर इयॉन था उसका नाम क्या था, अननेम्ड, मतलब बेसिकली नाम नहीं है उसका, तो इसके अंदर टोटल एक ही यहां पर इयॉन प्रेजेंट है, इसका नाम है फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक इयॉन, ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। ऑलराइट, तो हमने देखा एक सुपर इयॉन, सॉरी दो सुपर इयॉन्स, दो सुपर इयॉन्स दोनों डिवाइड होते हैं, तो जो पहला सुपर इयॉन यानी कि प्री कैम्ब्रियन था वो तीन इयॉन्स में डिवाइड होता है, और जो दूसरा सुपर इयॉन यानी कि जो अननेम्ड था वो एक इयॉन के अंदर डिवाइड होता है, उसका नाम रखा गया फेनेरोजोइक इयॉन। अब यहां तक आप समझ चुके, अब देखिए लेट्स ट्राई टू अगेन रिवाइज द बेसिक, हमें पता है कि सुपर इयॉन डिवाइड होता है इयॉन के अंदर, इयॉन किस में डिवाइड होता है, इयॉन डिवाइड होता है एरास के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक इयॉन कहीं ना कहीं एरास के अंदर डिवाइड किया हुआ, मतलब डिवाइड हुआ होगा, राइट, बट हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन कौन से एरा में डिवाइड हुए हैं, बिकॉज ये सब बहुत पहले खत्म हो चुकी है, तो हम इसे बेसिकली एरा में डिवाइड नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसे, बिकॉज ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं फेनेरोजोइक इयॉन के ऊपर, जो फेनेरोजोइक इयॉन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब फेनेरोजोइक इयॉन को हम एरास में डिवाइड करेंगे, तो अगर ये एक इयॉन है तो यानी कि मल्टीपल एरास में डिवाइडेड होगा, तो ये टोटल तीन एरास में डिवाइडेड है, ठीक है, एक दो और तीन। ऑलराइट, अब इसको समझते हैं कौन कौन से एरास फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप पहला एरा देखेंगे तो फर्स्ट एरा को बोलते हैं पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा, ठीक है, तो हमने देखा सुपर इयॉन इयॉन में डिवाइड हुआ था वो हमने देख चुका है, इयॉन हम एरा में देख रहे हैं, ठीक है, तो एरा में कौन कौन से एरास मिल रहे हैं हम उसको देख रहे हैं, तो जो फेनेरोजोइक इयॉन यानी कि जो हमारा लेटेस्ट इयॉन जो चल रहा है उसके बीच में टोटल तीन एरास हैं, पहले का नाम है पैलियोजोइक, दूसरे का नाम है एज यू मस्ट हैव गेस्ड मीसोजोइक, और तीसरे का नाम आप सिंपली सेनोजोइक याद कर सकते हैं, आप इसे नियोजोइक भी, इसे नियोजोइक भी बोलते हैं, ठीक है, सेनो या फिर नियो दोनों का मतलब सेम ही होता है, न्यू, तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, एक इयॉन यानी कि जो फेनेरोजोइक था वो तीन यहाँ पर तीन डिफरेंट एरास के अंदर डिवाइड हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब देखिए हम यहाँ पर सुपर इयॉन समझ चुके हैं, इयॉन समझ चुके हैं, एरा समझ चुके हैं, अब एरा के बाद क्या आता है, पीरियड्स, इसका मतलब हमें अब हम समझना है कि ये हर एक जो यहाँ पर इयॉन्स है, सॉरी जो ये हर एक एराज हैं ये कौन कौन से पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। नाउ माइंड यू पीरियड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए पीरियड्स वो शो करता है कि हमारा किस पीरियड के अंदर अर्थ हमारा किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसलिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम थोड़ा सा पीरियड को हल्का सा हम डिटेल में समझेंगे। तो पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक तीनों पीरियड्स को हम देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझा दूंगा। देखिए फर्स्ट जो हमारा इयॉन था उसका नाम क्या था आपको, सॉरी जो फर्स्ट एरा था हमारा उसका नाम आपको याद है, उसका नाम था पैलियोजोइक एरा। नाउ हमें देखना यह है कि पैलियोजोइक एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड्स प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पीरियड है, और सेकंड चीज आपको वो ऑर्डर में पता होना चाहिए, तो जब भी आपको ये चीजें ऑर्डर में पता रखनी है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई टाइप का निमोनिक्स याद कर लेना, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा निमोनिक्स जो मैं आपको बताता हूं वो है COSDCP, तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, कॉस डीसीपी, जैसे बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, तो COS और डीसीपी, डीसीपी आप जानते हैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, सो COSDCP। अब देखिए पैलियोजोइक एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड्स प्रेजेंट है उसको याद करने के लिए हमने देखा COSDCP, उसको हम ब्रेक करते हैं, सी का मतलब होता है कैम्ब्रियन, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्डोविशन, एस का मतलब होता है सिल्यूवियन, ठीक है, फिर डी का मतलब होता है डिवोनियन, फिर सी का मतलब होता है कार्बोनिफेरस, और पी का मतलब होता है परमियन, ठीक है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि पैलियोजोइक जो एरा था उसके बीच में कौन कौन से पीरियड्स थे, पीरियड्स को याद करने के लिए हमने छोटा सा एक ट्रिक देखा, COSDCP, ये बिल्कुल ऑर्डर में है, आप उसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं, सी का मतलब क्या था फिर से देखते हैं, सी का मतलब है कैम्ब्रियन, ओ का मतलब है ऑर्डोविशन, एस का मतलब है सिल्यूवियन, डी का मतलब है डिवोनियन, और सी का मतलब है यहाँ पे कार्बोनिफेरस, और पी का मतलब है परमियन। इस तरीके से आपने याद कर लिया कि जो पैलियोजोइक जो एरा था हमारा उसके बीच में कौन कौन से पीरियड्स थे, ठीक है, आप ये देख चुके हैं। अब सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड अगर आप एरा देखेंगे हमारे पास है मीसोजोइक, ठीक है, मीसोजोइक हमारे पास प्रेजेंट है एरा में फॉर्म में, तो एरा को हमें डिवाइड करना है डिफरेंट पीरियड्स में, राइट, तो मीसोजोइक जो देखिए हमने पीछे देखा जो पैलियोजोइक था वो टोटल 6 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड हुआ, सिमिलरली जो मीसोजोइक है टोटल 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से, देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसके बारे में बहुत सुना भी होगा, फर्स्ट का नाम है ट्रायसिक, सेकंड का नाम है जुरासिक, और थर्ड का नाम है क्रिटाशियस, तो आप इसे याद करना है TJC से आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटाशियस। देखिए इसके लिए तो आपको फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, टी पहले आएगा फिर जी आएगा फिर सी आएगा, तो अगर आप अल्फाबेटिकली अगर आप उल्टा जाते हैं मतलब अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट में कौन सा आता है, टी आता है, उसके बाद कौन मतलब उससे पहले कौन सा आएगा, जी आएगा, और सबसे पहले सी आएगा, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, तो पैलियोजोइक में आप समझ गए, पैलियोजोइक में टोटल 6 यहां पर पीरियड्स थे, मीसोजोइक में आप समझ गए टोटल 3 पीरियड्स थे, नाउ सब जो सबसे लेटेस्ट है उसका नाम आपको याद है सेनोजोइक, तो सेनोजोइक जो यहां पर हमारा एरा था उसमें कौन कौन से पीरियड्स हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारा लेटेस्ट है, तो सेनोजोइक जो था उसके अंदर टोटल 3 एरास यहाँ पर, सॉरी 3 पीरियड्स यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट देखिए अगेन दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इसमें अगेन आप इसको याद करना सिंपल है, पहले का नाम है पैलियोजीन, ठीक है, दूसरे का नाम है यहाँ पर न्यूजीन, और तीसरे का नाम है यहाँ पर क्वार्टरनरी,
ठीक है, क्वार्टरनरी। तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पीरियड्स के बीच में, ठीक है, पीरियड देख रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, तो पैलियोजिन पीरियड, नियोजिन पीरियड और थर्ड इज क्वार्टरनरी पीरियड। तो अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन इस चीज को हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देखिए हमने देखा यहां पर जो हमारा ये एरा था, ये हमारा बेसिकली तीन डिफरेंट एरास के अंदर डिवाइड हुआ था, राइट। फर्स्ट था पैलियोजोइक, सेकंड वाज मीसोजोइक, थर्ड वाज सीनोजोइक। सीनोजोइक सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। पैलियोजोइक खत्म हुआ, उसके बाद मीसोजोइक आया, मीसोजोइक खत्म हुआ, उसके बाद सीनोजोइक आया। सिंपल वर्ड्स में पैलियोजोइक को हमने देखा टोटल छह डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया हमने, सीओएस डीसीपी में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलुवियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, राइट। सिमिलरली जो मेसोजोइक था उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रायसिक, जुरासिक और जो हमारा क्रिटेशियस था, तीनों में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली वी केम टू सेनोजोइक, और सेनोजोइक को हमने फिर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाज यहाँ पर पैलियोजिन, सेकंड वाज नियोजिन और थर्ड कौन सा था यहाँ पर, क्वार्टरनरी। अब हम आ चुके हैं यहाँ तक क्वार्टरनरी पीरियड के आसपास में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जस्ट वंस अगेन आप याद कीजिए कि हमारा जो बेसिक बेसिक था वो बेसिक क्या था। सबसे पहले हम देखा था सुपर यौन आता है, सुपर यौन के बाद आता है यौन, एरास, देन आते हैं पीरियड्स, देन आते हैं इपोक्स, देन आता है एज। तो हमने सुपर यौन देख लिया, यौन देख लिया, एरा देख लिया, हमने यहां पर देखिए ये जो हम देख रहे हैं सब के सब, ये सब पीरियड्स थे। अब हम पीरियड्स को डिवाइड करते हैं इपोक्स के बीच में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जितने भी आप ये पीरियड देख रहे हैं, इन सब के आपको पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ जो लेटेस्ट है सिर्फ उसके आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सेनोजोइक एरा था, सेनोजोइक एरा आपको याद है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, जो पैलियोजिन था, फिर नियोजिन था और जो क्वार्टरनरी था। पैलियोजिन खत्म हुआ तब नियोजिन आया, राइट। नियोजिन खत्म हुआ उसके बाद क्वार्टरनरी आता है। अब क्वार्टरनरी हमारे पास एक पीरियड के फॉर्म में है। अब इस क्वार्टरनरी पीरियड को हमें डिवाइड करना है, किस में करना है डिवाइड, हमें इपोक में डिवाइड करना है। आपको पीरियड के बाद इपोक आता है, तो क्वार्टरनरी के अंदर टोटल दो इपोक्स आते हैं। पहले का नाम है प्लेस्टोसीन, अब आपको याद आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड का नाम है होलोसीन। देखिए हो सकता है कि आपको इसे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट जस्ट बिलीव मी, आप इसको सिर्फ दो से तीन बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। ऑलराइट, अगेन सीनोजोइक एरा जो था, ठीक है, उसके जो बीच में बेसिकली तीन यहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स आए थे, तो पैलियोजोइन पीरियड, ठीक है, फिर नियोजिन और क्वार्टरनरी के तीनों आए थे। जो क्वार्टरनरी था उसको हमने फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। ये क्या है यहाँ पर, ये हमारे इपोक्स, ठीक है, इपोक्स है। तो इपोक्स जो है, फर्स्ट इपोक का नाम है प्लेस्टोसीन और सेकंड का नाम है होलोसीन। अगेन देखिए याद कीजिए, सुपर यौन, देन यौन, देन एरा, देन पीरियड, देन इपोक एंड देन फाइनल कम्स एज। तो हमने इपोक देख लिया, हमने इपोक दो देख लिया, हमने प्लेस्टोसीन और होलोसीन इपोक, सिर्फ दो ही इपोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनली कम्स एज। अब हम देखते हैं कि दोनों में ही कौन कौन से एज थे। अब देखिए आपको यहां पर पूरी तरीके से फैमिलिटी आएगी, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लेस्टोसीन पीरियड के बीच में आपको याद है कौन सा एज चल रहा था, दैट वॉज द स्टोन एज। दिस इज द स्टोन एज जिसका हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई करते हैं। सिमिलरली होलोसीन पीरियड, होलोसीन के अंदर जो हम जिस पर्टिकुलर अभी हम राइट नाउ जिस एज में रह रहे हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ मेघालयन एज, ठीक है। मेघालय ने, जस्ट रिमेंबर द नेम, मेघालय ने जैसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो सबसे लेटेस्ट रॉक्स वगैरह मिले हैं वो मेघालय के हमें केव से मिले हैं, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना यह है कि अभी का जो एज है उसका नाम मेघालय एज होना चाहिए। ऑल्दो ये पूरी तरीके से नेम नहीं है, अभी तक इसको ऑफिशियली नेम नहीं किया गया है, बट अभी सारे के सारे साइंटिस्ट इसका नाम मेघालय एज ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, हमने जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंशिएशन वगैरह थे उन सबको हमने बहुत ही शॉर्ट में डिसाइड कर लिया, मतलब उसको बेसिकली हमने रिवाइज कर लिया, हमने देख लिया इसको। अब देखिए एक तो क्वेश्चन आप ये समझ गए कि एक्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे पीछे क्या है, कौन सा आगे पीछे है, ये सब आपसे पूछा सकता था। नाउ सेकंड चीज जो पूछा जाएगा, दैट विल बी द थिंग दैट विल बी आस्क्ड इज कि एक्जैक्टली हम कौन से सुपर यॉन के अंदर रह रहे हैं, सिमिलरली हम कौन से यौन के अंदर रह रहे हैं, देन हम कौन से एरा के अंदर रह रहे हैं, हम कौन से पीरियड के अंदर रह रहे हैं, हम कौन से इपोक के अंदर रह रहे हैं, और सिमिलरली हम कौन से एज के अंदर रह रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से है। आपको अभी सारे का सारा देखिए ये सब चीज आपको समझ आ गई होंगी, हो सकता है कि आपको ये सब याद ना आई हो, तो आपको बस सिंपल ये करना है कि आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आप जैसे इसको रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ याद आ जाएगा। अभी देखिए हम इस चीज को एक बार पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली हम कौन से टाइम्स में रह रहे हैं, कौन से जियोलॉजिकल टाइम्स में रह रहे हैं, तो एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुपर ईयर आपको पता है, याद है टोटल दो थे, पहले का नाम था प्री कैम्ब्रियन और दूसरे का नाम था अननेम्ड, मतलब जो अननेम्ड है। तो हम अभी कौन से सुपर ईयर में रह रहे हैं, देखिए प्री कैम्ब्रियन खत्म हुआ था उसके बाद यहाँ पे अननेम्ड आया था, इसका मतलब अभी हम अननेम्ड सुपर यौन के अंदर हैं, जिसका नाम अभी तक नहीं दिया गया था। सिमिलरली सुपर यौन के बाद आता है इयॉन, हमें देखा था कि इयॉन यहाँ पर देखिए जो प्री कैम्ब्रियन था उसके अंदर टोटल तीन इयॉन्स थे, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, उसको भूल जाइए। जो हमारा अननेम्ड वाला है, अननेम्ड जो हमारा सुपर यौन था उसके अंदर कौन सा यौन था, आपको याद है फेनेरोजोइक। तो हम कौन से अभी यौन के अंदर रह रहे हैं, फेनेरोजोइक यौन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर है। ऑलराइट, सुपर यौन हमारा कौन सा है, अननेम्ड है, और यौन का नाम है हमारे फेनेरोजोइक। यौन के बाद आता है हमारा एरा। अब हमने देखा था जो हमारा फेनेरोजोइक था उसको हमने तीन एरा के अंदर डिवाइड किया था, राइट। जो हमारा फेनेरोजोइक था, पहले का नाम था पैलियोजोइक, दूसरे का नाम था मीसोजोइक और थर्ड का नाम था सीनोजोइक, राइट। तो अभी हम कौन से एरा के अंदर रह रहे हैं, वी आर लिविंग इनटू सेनोजोइक एरा, ठीक है, दिस अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब एरा को हमने फर्दर डिवाइड किया था डिफरेंट पीरियड्स के बीच में, याद है आपको। तो सेनोजोइक को हमने अगेन तीन पीरियड्स में डिवाइड किया था, आपको याद है, फर्स्ट का नाम रखा था हमने पैलियोजीन,
सेकंड का नाम रखा था हमने नियोजीन और थर्ड का नाम रखा था क्वार्टरनरी। तो हम कौन से अभी पीरियड के अंदर आ रहे हैं? वी आर लिविंग इनटू क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, पीरियड जब डिवाइड होता है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू इपोक। तो बाकी सब छोड़ दीजिए, अब हम क्वार्टरनरी के ऊपर आते हैं बिकॉज सबसे लेटेस्ट है ये। तो क्वार्टरनरी का सबसे लेटेस्ट है। तो क्वार्टरनरी में अंदर कौन कौन से पीरियड्स थे आपको याद है? पहले का नाम था प्लेस्टोसीन और सेकंड का नाम था होलोसीन, ठीक है। तो अभी हम कौन सा पीरियड देखें? प्लेस्टोसीन तो हमारा खत्म हो गया, आपको याद है प्लेस्टोसीन खत्म हो गया, उसके बाद होलोसीन है। तो इसका मतलब क्या, अभी हम होलोसीन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अगेन और फाइनली इपोक डिवाइड होता है यहाँ पर एजेस के बीच में। इसका मतलब है देखिए, प्लेस्टोसीन के अंदर कौन सा एज था आपको याद है? स्टोन एज। और होलोसीन के अंदर कौन सा एज था? मेघालयन एज। तो अगर प्लेस्टोसीन खत्म हो चुका है और होलोसीन के अंदर सिर्फ एक ही एज है, इसका मतलब अभी हम कौन सा एज में रह रहे हैं? वी आर राइट नाउ लिविंग इनटू द मेघालयन एज। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड इन प्रीलिम्स मैच द फॉलोइंग में। सेकंड चीज, इट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे, मल्टीपल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में सारे कुछ समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट ऑफन, दैट्स इट। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको बस रिवाइज करना है। एक आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप इसको मल्टीपल टाइम्स खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, जितना आपको याद आ रहा है दैट इज गुड, जो याद नहीं आ रहा है उसको फिर से एक बार याद कीजिए, फिर से एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये वाला जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, आपको याद है मैंने बोला था क्लास में देखेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आता है, क्या आता है? सुपर ईयर, ठीक है। सुपर ईयर हमारे पास टोटल दो है, आपको याद है, जो फर्स्ट था उसका नाम है प्री कैम्ब्रियन और सेकंड का नाम है कैम्ब्रियन। तो देखिए प्री कैम्ब्रियन के अंदर ये वाला पार्ट प्री कैम्ब्रियन है और सेकंड वाला कैम्ब्रियन, मतलब जो सॉरी ये वाला जो है उसको अननेम्ड है अभी तक, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन है, उसके अंदर आपको याद है टोटल तीन ईयर्स थे, प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन। तो ये हेडियन फर्स्ट हो गया, आर्कियन सेकंड हो गया, प्रोटोजोइक थर्ड हो गया। और सिमिलरली जो अभी हमारा जो सेकंड जो हमारा सुपर ईयर यानी कि जो अननेम्ड था उसके अंदर एक ही ईयर है, उसका नाम क्या है? फेनेरोजोइक। अब फेनेरोजोइक को आगे लेके चलते हैं, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर। फेनेरोजोइक को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, आपको याद है सुपर ईयर ईयर किस में डिवाइड होता है? एरा में डिवाइड होता है। तो हमने देखा था फेनेरोजोइक टोटल तीन एराज में डिवाइड होता था। पहला क्या था? पैलियोजोइक, सेकंड का नाम था मीसोजोइक और थर्ड का नाम था सीनोजोइक, ठीक है। तो पैलियोजोइक को हमने देखा था जो एरा पीरियड्स में डिवाइड होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका दिया था, आपको याद है फॉर्मूला का सिंपल सा नाम था COSDCP। तो देखिए सी एंड कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशन, ओ एस से सिलुवियन, डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से परमियन। ये आपका सिंपली याद हो जाएगा COSDCP से, ठीक है। ये आपका पीरियड हो गया पैलियोजोइक का। सिमिलरली पैलियोजोइक जब फिनिश होता है उसके बाद आता है मेसोजोइक पीरियड, ठीक है। मेसोजोइक के अगेन आपको अंदर याद है टोटल तीन थे, फर्स्ट वाज TJC का याद है फुल फॉर्म था, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म था TJC, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उसके बाद जब मेसोजोइक खत्म होता है देन कम सीनोजोइक। सीनोजोइक को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए वैसे तो इसको फर्दर ही नॉर्मली इसको यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जो सीनोजोइक वाला पार्ट है आपको याद है तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया था, पैलियोजोइक, नियोजोइक और क्वार्टरनरी। बट पैलियोजोइक, नियोजोइक और यहाँ पर क्वार्टरनरी, बट यहाँ पर कुछ बुक्स के अंदर सिंपली इसको टर्शियरी बोल दिया जाता है, इसको पैलियोजोइक और नियोजोइक को मिला के कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में बहुत ही डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है जो पीरियड में हम रह रहे हैं इसका नाम है क्वार्टरनरी, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए कि यहाँ पर क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर है। अब क्वार्टरनरी पीरियड के बाद इसको इपोक में बेसिकली डिवाइड नहीं किया हुआ है, बट क्वार्टरनरी को हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा आपको याद है। दो इपोक्स थे यहाँ पर, पहले का नाम था प्लेस्टोसीन और सेकंड का नाम था होलोसीन। और होलोसीन के अंदर अभी हम राइट नाउ मेघालयन एज के अंदर रह रहे हैं, और प्लेस्टोसीन के अंदर जो यहाँ पर स्टोन एज था वो यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो ये है हमारा सारा का सारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये सब चीजें जो है आपसे उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती कि किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा इवेंट हुआ था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर नीचे है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी यू नो वेरी वेरी फ्लुएंट विद दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, कि ऑर्डर कौन कौन सा कहां पर है। COSDCP को आपको याद करना है, TJC आपको याद करना है, ठीक है। इसके आपको पीरियड्स को याद रखना है कि कौन सा ईयन है, कौन सा सुपर ईयन है, और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुपर ईयन के बाद ईयन आता है, फिर एरा आता है, फिर पीरियड आता है, फिर इपोक आता है, फिर एज आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो दैट इज गुड, अगर आपको क्लियर नहीं है तो वॉच इट मल्टीपल टाइम्स। आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप खुद से बार बार लिख के देख सकते हैं, और उसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होती है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।